दोस्तों आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि हेवल्स के नतीजे आए हैं, क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 23 के नतीजे कैसे हैं। बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या हेवल्स डेट फ्री है, हेवल्स में हमें कितना ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज जानने के लिए हमारे बीच में है अमोल देशमुख, जो कि कोल्हापुर से है और उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं। साथ ही में उन्होंने एनालिसिस किया है हेवल्स पे, तो वो अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आमंत्रण दूंगा अमोल देशमुख को, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि अमोल जी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें, उससे पहले आप भी नोटपैड लेके डिटेल लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपसे भी मिस ना हो जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर कंपनी के रेगुलरली रिजल्ट आपको मिलते जाए। सो लेट मी वेलकम अमोल देशमुख। वेलकम अमोल जी। थैंक यू पीयूष सर। सबसे पहले मैं प्रॉफिट फॉर मीट का शुक्रगुजार हूँ कि ये रिजल्ट प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मुझे प्रॉफिट फॉर मीट ने दिया। तो आज हम जो हेवल्स कंपनी को देखेंगे, तो हेवल्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो हेवल्स का हिस्ट्री कैसा है वो देखेंगे। फिर हेवल्स की हिस्ट्री देखने के बाद अभी हेवल्स का करंट ट्रेंड कैसा है वो देखेंगे। फिर हम उसके बाद 9 मंथ का रिजल्ट अभी कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद उसमें कहाँ से कितना धंधा आया है, उसका पूरा सेगमेंटल रेवेन्यू देखेंगे। उसके उनके जो मेजर कॉस्ट क्या है, कौन से कॉस्ट बढ़े कौन से कॉस्ट घटे, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, और उनके फेयर वैल्यू पे भी हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेवल्स के हिस्ट्री से। तो हेवल्स का जो अब अगर हम देखें, हेवल्स का जो सेल्स है वो 2000 में लगभग 105 करोड़ का सेल्स था, वो धीरे धीरे भी बढ़ते बढ़ते वो 2010 तक 2400 करोड़ का हो गया। यानी कि यहीं पे हमको लगभग उसने 24 गुना, तो सेल्स की ग्रोथ 24 गुना इसी ने हमको यहीं पे दिखाई नहीं, और वो आगे बढ़ते बढ़ते भी 2022 आते आते इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगभग उसका जो टोटल सेल है वो 13000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि 2010 में जो 2400-2500 करोड़ था वो लगभग 13000 करोड़ ले, यानी कि यहाँ से भी लगभग ये ऊपर इतना चला गया कि 4 गुना यहाँ से भी बढ़ चुका है वो। अगर हम इसके प्रॉफिट्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो 2000 में उसका प्रॉफिट खाली 3 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते भी 2022 आते आते इसका जो प्रॉफिट है वो 1200 करोड़ तक बढ़ चुका है। यानी कि इतना अच्छा इसमें हमको ग्रोथ मिला है, और इसने अपना जो मार्जिन है वो कंसिस्टेंट मार्जिन इसने अपना 6-7% के अराउंड कंसिस्टेंट मार्जिन इसने अपना यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अभी हम अगर इनके जो हैवेल्स है उनके इक्विटी और रिजर्व के बारे में अगर बात करें, तो इनका इक्विटी जो 2000 में 4.89 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते भी उनका इक्विटी जो है वो लगभग 62 करोड़ तक पहुंच गया है, और उनका जो रिजर्व था उस समय जो 13 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ते बढ़ते भी लगभग 6000 करोड़ का रिजर्व बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमको ये साफ ही दिख रहा है कि इसका रिजर्व बढ़ा है तो इसका बुक वैल्यू भी अच्छा बढ़ा है, और ये अपने को कंसिस्टेंट डिविडेंड भी अपने को ये हेवल्स कंपनी हमें देती है। अभी ये तो हो गया इसका हिस्ट्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हेवल्स का करंट ट्रेंड कैसा है। तो अगर हम हेवल्स का करंट ट्रेंड समझने जाएंगे, तो हेवल्स का अगर हम नतीजे देखेंगे, तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के इसका जो क्लोजिंग हुआ था उस समय पे उसका सेल्स ग्रोथ जो था वो 33% से उसके सेल्स बढ़े थे, उनका मार्जिन जो था वो 9% था, और उनका प्रॉफिट जो था वो 15% से बढ़ा था। फिर वो क्वार्टर वन आते आते इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 70% हो गया, उसके बाद उसके मार्जिन जो है थोड़े से डिक्रीज हो गए, 5.49% हो गए, और इसका जो प्रॉफिट है वो 3% से बढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा H1 जब आया, H1 आया उस समय पे इसका सेल्स ग्रोथ 35% हो गया था, मार्जिन इसके उसने मेंटेन रखे थे 5.49 के, यहाँ पे 5.43 थे, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था, यानी कि प्रॉफिट में थोड़ा डीग्रोथ हो गया था, 20% से प्रॉफिट इनके घटे थे। और इसके बाद अगर हम 9 मंथ में देखेंगे, तो 9 मंथ में इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 27% है, इनका जो मार्जिन था वो 5.43 से 5.92 थोड़ा सा कवर हुआ, यानी कि मार्जिन में हमको यहाँ पे सुधार दिख रहा है, और उनका जो प्रॉफिट का ये था, प्रॉफिट अभी भी डिग्रोथ में ही है, यानी कि -15% है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा ये प्रॉफिट अच्छा हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हुए हम जो 2023 मार्च आते जो एस्टिमेट कर रहे, तो सेल्स में हम 20% के सेल्स ग्रोथ का एस्टिमेट कर रहे हैं, मार्जिन में हम 6% का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट है इसमें हम प्रॉफिट में -5% के यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। ये तो होगा इनका करंट ट्रेंड। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 9 मंथ के रिजल्ट आए वो किस तरह से इनके रिजल्ट यहाँ पे आए।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उनके जो सेल्स है वो 26% से बढ़े और इनके जो खर्चे हैं वो 32% यानी कि 32% से बढ़े। तो सेल्स से ज्यादा थोड़ा इनका खर्चा बढ़ा है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा हमको यहाँ पर प्रॉफिट पे भी यहाँ पे हमको दिख रहा है। और इनके जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे हमने देखा कि घट के आए है। तो ये तो हो गया ये क्वार्टर का, इसका अभी अभी का जो क्वार्टर है इस क्वार्टर का ये इसका डिटेल्स। अभी हम देखेंगे इनके जो धंधे आए हैं या फिर जो इनके खर्चे बढ़े हैं तो कहाँ से बढ़े। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके जो धंधे आए वो कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके सेगमेंटल रेवेन्यूज देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम देखेंगे तो इनके जो सेगमेंट्स है उसमें जो इनका केबल का बिजनेस है उनका शेयर सबसे ज्यादा यानी कि 40% है, जो कि मार्केट जितना भी केबल का इंडिया में जितना भी बिजनेस है उसके 16% सिर्फ केबल का जो मार्केट शेयर है उनका वो है और वो 26% से बढ़ा है। तो केबल इनकम मेजर इनकम का सोर्स है जो कि काफी अच्छा बढ़ा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लॉयड जो है उनका 20% का शेयर है, उसका भी अपना इसके बिजनेस में 26% का ग्रोथ है तो वो भी 16% से बढ़ा है। फिर अगर हम स्विच गियर्स देखेंगे तो स्विच गियर्स में भी इनका 18-20% तक का मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में और वो भी उनका 15% से बढ़ा है। अगर हम इसके लाइटिंग एंड फिक्चर्स देखेंगे तो ये भी उनका मार्केट शेयर 10-12% तक है और ये भी इनका इसने भी 22% का ग्रोथ दिया और अदर जो 10% है इसने भी हमको 31% का ग्रोथ दिया। और अगर हम हैवल्स को देखेंगे तो हैवल्स जो है वो टॉप 3 कंपनीज में आता है। जैसे अगर केबल में देखेंगे तो केबल में इनको पॉलीकैब और फिनोलेक्स ये इनको इनके साथ कॉम्पिटिटर है। तो इस तरह से इनके बिजनेसेस जो है वो इनको रेवेन्यूज दे रहे। अब हम थोड़ा सा इनके खर्चों की तरफ जाते हैं तो खर्चे कहाँ पे बढ़े। तो उनका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो उनका रॉ मटेरियल का खर्चा है, जो कि रॉ मटेरियल का उनके पूरे खर्चे में 61% का शेयर से जो कि 28% से बढ़ा, यानी कि काफी ज्यादा इनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम दूसरा बड़ा खर्चा देखेंगे तो परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स है, जो कि उनका 20% का शेयर से वो भी 71% से बढ़ा है। तो ये इनके मेजर खर्चे हैं जो कि उनके एक्सपेंसेस बढ़ने की रीजन है और ये सेगमेंटल रेवेन्यू जो है वो जहां से उनको इनकम आया और जो यहाँ के इनके एक्सपेंसेस है। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इनके कुछ फेयर वैल्यूज देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो ये अभी 2023 में जो हमने इसका जो ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उसका जो 2023 का जो सेल्स आ रहा है वो 16,700 करोड़ के अराउंड उसका सेल्स आ रहा है। प्रॉफिट जो आ रहा है वो 1,004 करोड़ के अराउंड आ रहा है, यानी कि 1,000 करोड़ हम मान सकते हैं। इसका ईपीएस रह सकता है 16 तक और इसका जो फेयर वैल्यू है वो 642 तक रह सकता है। अभी इसके बाद हम अगर 2025 को देखेंगे तो यहाँ पे उनका सेल्स है वो 22,000 करोड़ तक जा सकता है, इनका जो प्रॉफिट है वो 1,700 करोड़ तक जा सकता है, ईपीएस 22 हो सकता है और इनका फेयर वैल्यू जो 864 रह सकता है। इसके बाद अगर हम 2030 में हैवल्स को देखेंगे तो तब तक वो 47 करोड़ के धंधे तक पहुंच चुकी होगी, वो प्रॉफिट 3,500 करोड़ का प्रॉफिट को क्रॉस कर चुकी होगी और इसका ईपीएस जो 45 तक हो सकता है और उस समय पे उसका जो फेयर वैल्यू है वो 1,800 तक उसका फेयर वैल्यू हो सकता है। दोस्तों फेयर वैल्यू वो है कि यहाँ तक तो ये वैल्यू तो हमको मिलना मुश्किल है, इसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये हमारा बेस्ट वैल्यू बैंक हो सकता है। तो जितना भी फेयर वैल्यू के करीब हमको मिले हम वहां पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जो लोग एसआईपी करने वाले उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने रेगुलर मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। और अगर हम 2035 में देखेंगे तो इसका सेल्स लगभग 99,000 करोड़ यानी कि लगभग 1,00,000 करोड़ तक होने की पॉसिबिलिटी है और जो कि इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तब तक 7,500 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा, इनका ईपीएस जो है वो 73 तक हो सकता है और इनका जो फेयर वैल्यू होगा वो लगभग लगभग 3,000 तक इनका फेयर वैल्यू होने की चांसेस है। इसके बाद अगर हम इसके कुछ हाइलाइट्स अगर इसके देखने जाएंगे तो सबसे पहले तो इनका जो है वो कंज्यूमर डिमांड में थोड़ा सा उनका स्लो डाउन हुआ है, फिर उनके जो दूसरा है उनका रॉ मटेरियल में काफी उनकी वोलेटिलिटी दिख रही है और उनका जो ग्रोथ है वो Q3 में Q2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो इस इन्होंने क्लियर बोला कि यहाँ पे डिमांड थोड़ा सा इनका वीक है। इन्होंने होल्ड्स हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इन लॉयड, यानी कि लॉयड में इन्होंने जो इन्वेंट्री खरीदी है वो काफी महंगी खरीदी हुई है। तो अगर कुछ यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कुछ कम ज्यादा भी होता है तो इनकी जो हाई लेवल की इन्वेंट्री है तो वो लॉयड के प्रॉफिट में उनको ज्यादा यहाँ पे इनको इफेक्ट नहीं हो, ये उसका अगर इन्फ्लेशन कम भी होता है तो उसका फायदा लॉयड के केस में वो नहीं उठा पाएंगे।
अगर हम देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो उन्होंने बोला कि Q4 में एक लिटिल ग्रोथ है, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक रीजनेबल ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर लॉयड बिजनेस को अगर कंसिडर करेंगे तो कुछ उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कुछ पॉज उनको दिख रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे उनको लग रहा है कि लॉयड का बिजनेस थोड़ा सा उनको इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन अगर रुके होंगे तो नए घर नहीं बनेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स है जैसे लॉयड के एसीज है या फिर अदर भी प्रोडक्ट्स है, तो वो थोड़ा सा वहां पे उनका सेल्स में उनका यहाँ पे एक इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद अगर हम आगे और देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला है कि उन्होंने उनके जो बिजनेसेस है उसमें B2 बिजनेसेस में उन्होंने B2B बिजनेसेस ने उनको काफी अच्छा सपोर्ट किया है, जो कि उनके इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन एक चैलेंज रह रहा है इस इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे उनकी की कमोडिटीज है वो वोलेटाइल और इलेवेटेड रह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो कंट्रीब्यूशन है उनका स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन अक्रॉस सेगमेंट्स स्पेशली केबल्स, यानी कि केबल के बिजनेस से इनको सबसे ज्यादा धंधा आ रहा है और वहां पे इनको स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रहा है, तो यही एक उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा धंधा आता है वहां पे उनको रिकवरी भी काफी अच्छा दिख रहा है। अगर इसके बाद हम कुछ इसके टेक्निकल्स को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो हैवेल्स है, तो हैवेल्स का जो हमारा बाइंग का रेंज जो निकल के आ रहा है वो 1079 से लेकर के 979 तक निकल के आ रहा है, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2079 यानी कि 2079 के अराउंड आ रहा है, जो कि आने वाले 2 से 2.5 साल में हम इसको उम्मीद कर रहे। तो ये था पूरा हैवेल्स का जो रिजल्ट है, अभी जो Q3 का रिजल्ट आया उसका एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों, ओवर टू यू पीयूष सर। यार दोस्तों, जैसा आपने अभी देखा, मुझे जो इसमें की पॉइंट लगे वो ये थे कि वैसे हैवेल्स का डिमांड सब अच्छा था, सेल्स अच्छा जा रहा था, Q3 थोड़ा वीक हुआ है वो हमको मानना पड़ेगा, राइट। तो Q3 की वीकनेस थोड़ी झलक रही है यहाँ पे। मैनेजमेंट ने भी बताया कि Q4 भी वीक रहेगा, तो इन्होंने देखो क्लियरली बोल दिया है कि Q4 भी ऐसा वीक ही रहेगा, डिमांड साइड अच्छा नहीं है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा हाल है दोस्तों, डिमांड इनकी अच्छी है, बिस्ट का ग्रोथ तो इन्होंने वैसे भी उम्मीद किया है, पर जो एकदम बढ़िया ग्रोथ रहता था वैसा नहीं है, राइट। तो Q4 भी वीक, अगले साल से ग्रोथ हम उम्मीद करेंगे आप, राइट। इन्होंने जो अलग अलग सेक्टर का बताया, जैसे केबल इनका सबसे बड़ा धंधा है, तो इनका पुराना और लीडरशिप वाला बिजनेस है, राइट, उसने उनको इस बार भी सपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो ओवरऑल अभी हैवेल्स करेक्शन मोड में है, आने वाले समय में हम अगेन 15% कगार से हैवेल्स को बढ़ता हुआ देखेंगे, धंधे भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। देखो अभी प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे इन्फ्लेशन की वजह से, राइट, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, वो अगले साल बढ़ेंगे तो वापस से शेयर दौड़ेगा, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, अभी करेक्शन में है, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म, बराबर। So this was all about the result. Thank you very much for a wonderful presentation. Amol bhai. Dhanyawad.